मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की आप मौसम जानकारी जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं पूरे देश के मौसम का हाल। दिल्ली को मिलेगी प्रदूषण से राहत, इन राज्यों में आंधी तूफान बारिश की चेतावनी। कम दबाव के क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और 27 नंबर के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर के ऊपर दबाव में तब्दील होने की संभावना। दिल्ली में तापमान में गिरावट तथा रात के समय हवा की गति मंद रहने से प्रदूषण के एकत्र होने के कारण वायु गुणवत्ता फिर से गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है। भारत विज्ञान विभाग IMD के अनुसार 27 नवंबर से उत्तर पश्चिमी भारत और को प्रभावित करने वाले एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आने की संभावना है, जिसकी वजह से प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती है। रविवार शाम से उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रविवार को दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और इसके बाद सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 नवंबर को पश्चिमी एवं पूर्वी यूपी के अलग अलग जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बारिश के बाद प्रदेश में तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। सोमवार से बदलेगा मौसम इन जिलों में बारिश। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के मुताबिक 27 नवंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। इस अवधि में पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कई जगहों पर बारिश और गरज के साथ बारिश की संभावना है। बारिश के बाद 1-2 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। 27 नवंबर को नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बिजनौर, मथुरा, आगरा, हाथरस, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, सीतापुर और आसपास के जनपदों में बारिश का अनुमान है। इसके बाद 28, 29 और 30 नवंबर को फिर से प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। इस अवधि में कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। आपको बता दें मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 26 नवंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका आंशिक असर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। इस वजह से तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस का तक बढ़ोतरी आसार है। आसमान साफ होने के बाद 29 नवंबर को एक पूरे राज्य में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 28 नवंबर तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। राजधानी चेन्नई के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु पांडिचेरी के लिए तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 26 और 27 नवंबर को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तटों से उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ सकता है। इस वजह से 27 नवंबर को मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 से 28 नवंबर के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। 27 नवंबर को उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर आंधी और बिजली गिरने के साथ ओले गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। 26 से 27 नवंबर के दौरान दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर आंधी और बिजली के साथ ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।